हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोना फैमिली ब्लॉग। यहाँ पर आपको मिलती है मज़ेदार सी रेसिपी और अच्छे अच्छे से ब्लॉग। मॉर्निंग के 7 बज गए हैं। मैं सबसे पहले उठकर गर्म पानी कर रही हूँ थायराइड की टेबलेट लेने के लिए। यहाँ पर मैं टेबलेट ले रही हूँ। टेबलेट लेने के बाद हमारी चाय रेडी हो रही है। उसके बाद हम चाय लेंगे। यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ सूजी का डोसा, जिसके अंदर मैं पनीर की स्टफिंग करूँगी। तो चलिए आप देखें मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी। लोहे के तवे पे आप डोसा कैसे बना सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लोहे के तवे को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। एक प्याज को फोक की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। फिर एक टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से हम पूरे तवे को पोंछ लेंगे। डोसे का बैटर डालकर अच्छी तरह से हम इसको फैला देंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और दही का मिक्स डोसा। अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे। बिल्कुल पतला सा पलटा लेना है। आप अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, हम तो इसको खुरपी बोलते हैं। डोसा हमारा नीचे से बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं, नीचे से बिल्कुल हमारा ब्राउन हो गया है। मसाला, पनीर मसाला की फिलिंग कर रही हूँ। देखिए हमारा डोसा बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोहे के तवे पे भी कितना बढ़िया कुरकुरा सा करारा डोसा बनकर तैयार है। अब मैं इस पे दूसरा डोसा बनाऊंगी, वो आपको मैं सिंपल वाला बनाकर बताऊंगी। देखिए डोसा ने पैन छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं पूरा डोसा हमारा नीचे से भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक सिंपल वाला बना के बता रही हूँ। इसमें मैं मसाला नहीं डालूंगी। क्या आप बिना दाल चावल भिगोए आसानी से सूजी और दही का डोसा कैसे बना सकते हैं? कभी आपको डोसा खाने की इच्छा है और आपने रात को दाल चावल भिगोकर नहीं रखा, तो आप फटाफट से सूजी और दही को भिगोकर आधे घंटे में डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको पलटा कर भी सेक सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि कच्चा लग रहा है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि देखिए कितनी आसानी से डोसा फोल्ड हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, लीजिए बनकर तैयार हो गया है हमारा मसाला डोसा। सूजी का मसाला डोसा मस्त खाने में आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। देखिए कैसा लग रहा है और अपना फीडबैक देना ना भूलें।